देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ सचिवालय के गेट पर कांग्रेस ने धरना दिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। करण माहरा, गणेश गोदियाल धरने में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर सचिवालय के गेट पर कांग्रेस ने धरना दिया है। उनकी मांग है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा करवाया जाए। गणेश गोदियाल भी उस धरने पर बैठे और साथ ही करण माहरा भी बैठे। नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बनाए गए हैं और आज ही कांग्रेस ने धरना दिया है और लगातार इस्तीफे की मांग कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा कराया जाए। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, आखिर क्यों कांग्रेस कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांग रही है, इसको लेकर भी आपको जानकारी थोड़ी ही देर में हम देंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि हरीश रावत भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं और ये सचिवालय की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करण माहरा धरने पर बैठे हैं, उनके साथ गणेश गोदियाल भी मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको यहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी दिखेगी। देहरादून से बड़ी जानकारी ये है, जहां पर सचिवालय के गेट पर कांग्रेस ने धरना दिया है, लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा लिया जाए। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, यह भी जल्द ही सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल ये धरने की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, करण माहरा, गणेश गोदियाल धरने पर बैठे हैं और कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हरीश रावत भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर कि क्या चल रहा है, क्या मांग है और क्यों इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही जो तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के इन लोगों के साथ यहां पर मौजूद है, वो भी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिवालय की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग को लेकर करण माहरा, गणेश गोदियाल अपने समर्थकों के साथ वहां पर मौजूद हैं। उन्हीं के साथ वहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद है। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस धरना दे रही है, हालांकि कांग्रेस देखिए अलग अलग मुद्दों पर राज्य सरकार को भी घेरती हुई नजर आ रही है। कभी महंगाई का मुद्दा उठा रही है, कभी कानून व्यवस्था का। फिलहाल ये तस्वीरें सचिवालय से सामने आ रही है, जहां पर धरना दे रही है कांग्रेस। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारियां इस पर देंगे। सुरेंद्र, सचिवालय के गेट पर कांग्रेस धरना दे रही है, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, बिल्कुल, सहकारिता विभाग के अंतर्गत जो भर्तियां हुई थी उसमें घोटाले की बात कांग्रेस ने कही थी और सरकार ने उसमें जांच भी बैठाई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीधे कहा है कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पे इसमें है और इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में सहकारिता विभाग में जो जांच होगी वो निष्पक्ष नहीं होगी, इसलिए ये कहा गया है। और वो आज प्रदर्शन पर बैठे थे, सचिवालय के मुख्य गेट पर ये पूरा प्रदर्शन हुआ है। उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है जब सचिवालय के मुख्य गेट तक कोई पहुंच गया और वहां प्रदर्शन किया गया हो। इसमें नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा उनके साथ थे, पूर्व सीएम हरीश रावत उनके साथ थे और सीधे तौर पे ये धन सिंह रावत पर बड़ा हमला है, ये राज्य सरकार पर बड़ा हमला है, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री को हटाने के लिए नारेबाजी चल रही है, उनके कैबिनेट मंत्री पर घोटाले के आरोप है और ऐसे में सरकार को जवाब तो देना ही होगा। विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है आसानी से, ऐसा जरूर लगता है। पूजा, अभी घोटाले की जांच कहां तक पहुंची है, इससे जुड़ी भी कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, घोटाले की जांच को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्योंकि जांच टीम में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो पहले से खुद कई जांचों में फंसे हुए हैं, तो ये उनका कहना है कि जब तक मंत्री इस पद पर रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं इसे मैनिपुलेट करेंगे, इससे प्रभावित होगी जांच और उनको इस विभाग से हटाना चाहिए, ये कांग्रेसी नेताओं का कहना है। और इस मुद्दे पर इसलिए वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि कोरोना के दौरान जब युवा बेरोजगार हो रहे थे उनको सरकार से आस थी और उस वक्त आनंद फानंद में इस विभाग की परीक्षाएं कराई गई, जिसके रिजल्ट ऐसे हैं कि कई अधिकारी के सगे संबंधियों को जगह मिली है, तो इसको लेके कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी और उन्होंने कहा है कि हम इसे लगातार सड़क से लेके सदन तक उठाते रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।
उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा बहुत कम हुआ है जब सरकार के मंत्री के खिलाफ सचिवालय के मुख्य गेट पर ही प्रदर्शन चल रहा हो। इस वक्त सरकार के मजबूत कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेसी नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सामने बैठे हैं और दूसरी ओर जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो साथ में बैठे हैं। गणेश गोदियाल ने सहकारिता में जो भर्ती घोटाला हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने ये कहा था कि वो सचिवालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन देंगे, पहाड़ के बेरोजगारों की आवाज़ उठाएंगे और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कल देर शाम जो कांग्रेस के नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। पूर्व विधायक मनोज रावत उनके साथ हैं और तमाम कांग्रेसी यहां पर हैं और सचिवालय के मुख्य गेट पर वो सरकार के ही कैबिनेट मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको पीछे की ओर दिखाऊं तो आप देखिए सचिवालय का मुख्य गेट है और यहां पर अच्छी खासी फोर्स रहती है, यहां किसी भी तरह से प्रदर्शन होता नहीं है। सचिवालय के मुख्य गेट से 100 मीटर पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया जाता है, लेकिन इस बार इसे सिक्योरिटी लैप्स कह लें या फिर इसे कुछ और नजरिए से देखें। सहकारिता विभाग में जब से माननीय मंत्री जी मंत्री के रूप में बैठे हैं तब से विभाग में तमाम भ्रष्टाचार और भर्तियों में घोटाले जारी हैं। जो ये धरना है वो बहुत जेन्युइन है क्योंकि पहाड़ के जितने बेरोजगार हैं उनके संग एक बहुत बड़ा छला हुआ हुआ। कोरोना के काल में ये परीक्षा एक प्राइवेट कंपनी से लिवाई गई और जिस समय लोग बाहर नहीं निकल सकते थे घर से उनमें 2 दिन के नोटिस में उनका एग्ज़ाम लिया गया। ये सबसे बड़ा इसमें जो घपले की बू आती है, नोएडा में एग्ज़ाम लिया गया तो कैसे पर्वतीय क्षेत्र के वो लोग जो गाँव में रहते हैं वो कैसे वहाँ तक जाते हैं, कैसे वो आते हैं। तो जो सेलेक्टेड लोग थे जिनको इन्होंने भर्ती करना था केवल उनको पहले से पूर्व सूचना थी, वो नोएडा में थे और उनके एग्ज़ाम लेके उन लोगों को नियुक्तियाँ दी गई। और मेरा जो आरोप है वो ये इस बात पे है अगर मुख्यमंत्री जी वाकई में अपनी बातों में संजीदा हैं और उन्होंने जांच बैठाई तो उन्होंने पहले मंत्री को जो है पदच्युत करना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच करनी थी। बड़ी जल्दी सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून।